भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां भीलवाड़ा के कोटड़ी से सर्व समाज और जनप्रतिनिधियों ने बंद का आह्वान किया है। आज कोटड़ी कस्बा पूर्णतया बंद रहेगा। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं सभी लोग। 20 घंटे से थाना परिसर में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बैठे हुए हैं। कोटड़ी थाने पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। सवाई भोज महंत सुरेश दास के नेतृत्व में ये धरना चल रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। कोटड़ी थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। नाबालिग के कुछ अवशेष तालाब से भी मिले हैं, सूत्रों की दिए जानकारी के अनुसार। आपको बता दें, भट्टी कांड के बाद अब कोटड़ी थाना प्रभारी खिवराज गुर्जर को निलंबित किया गया है। आईजी अजमेर लता मनोज कुमार ने आदेश जारी किए हैं। नाबालिग हत्याकांड में एसएचओ पर गाज गिर गई है। कोटड़ी थाना प्रभारी खिवराज गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी जयेश पारिक लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दिनेश पारिक लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दिनेश, रोज एक नया अपडेट सामने आ रहा है, अब क्या है अपडेट इस मामले को लेकर के? बिल्कुल सालिनी, हम इस वक्त कोटड़ी के पुणा बृजेन्द्र बाजार पर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सर्व समाज के द्वारा आह्वान किया गया था, जिसको लेकर आज पूरी तरह कोटड़ी कस्बा बंद है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि खूब बाजार दिखाएं, जहां पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। आप दिल्ली बाजार है, जो मुख्य बाजार है कोटड़ी का, देखा जाता है पूरा सन्नाटा फैला हुआ है, ये बाजार पूरा बंद है। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी खड़े हैं, जो बाजार की दुकान कैमरामैन से कहूंगे, दुकान दिखाई, पूरी दुकान के शटर बंद पड़े हुए हैं। आस पास के जो ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ आ रहे हैं और पूरा इस मामले को लेकर पूरे तरह से बंद का सहयोग दे रहे हैं। ग्रामीण हम उनसे बात करते हैं, ये जुड़े हुए हैं, किस प्रकार पूरा बंद क्या सहयोग है? हमारा तरफ से पूरा सहयोग है, पूरे गांव की सहमति से आज बाजार बंद किया गया है, बहन टोला को न्याय दिलाने के लिए, और सारा गांव आम चोला पूरा एकत्रित हो रखा है। जी सालिनी, हम इस वक्त खड़े हैं बाजार के अंदर। दिनेश, क्या मांगे हैं इनकी? इन्होंने जो समर्थन दिया है और बाजार बंद किए हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी, इनसे बात करके? बिल्कुल सालिनी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो बाजार बंद करके इनकी प्रमुख मांगे क्या? हमारी प्रमुख मांगे हैं, बहन कोला को सबसे पहले तो अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए, उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से एक नौकरी और 1 करोड़ की आर्थिक सहायता। जी सर, ने इन्हें तो बताया कि परिवार वालों को सहायता दी जाए, 1 करोड़ की सहायता की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा परिवार वालों को एक सरकारी नौकरी और जो यहाँ के जो ग्रामीणों कहना है कि संबंधित जो थाने हैं इनको पूरा निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। जी सर, बंद है और चारों तरफ सन्नाटा छा हुआ है, दुकानों के ताले लगे हुए हैं और यहाँ आसपास के लोगों की जो काफी भीड़ भी आप देख सकते हैं, यहाँ लोग बाग रोड पे खड़े हुए हैं और बहन तोला को जो हत्याकांड को लेकर ये लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि बहन तोला को जल्द से जल्द न्याय मिले और परिवार जनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 1 करोड़ की मुआवजा, प्लस उनको सरकारी नौकरी और जो दोषी कर्मी है, जो पुलिस कर्मी दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। स्थिति सामान्य है, धरने पर भी बैठे हुए हैं काफी लोग और परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या लोगों ने कुछ और कहा है, क्या आपके किसी परिवार वाले से बातचीत हो पाई है? दिनेश, बिल्कुल सालिनी, अभी तक जो कल दोपहर के बाद में कोटड़ी थाने के बाद लगातार धरना बना हुआ, और यही इसके अलावा दूर दराज से जो समर्थन के लिए बीजेपी के नेता भी या पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आज प्रहलाद गुंजल आने की संभावना बताई जा रही है। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए, जो हमें ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं कोटड़ी की, जहाँ बाजार बंद है, सभी लोग आक्रोशित हैं, भट्टीकांड पर लोगों में गुस्सा है और परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। वहीं एसएचओ को भी निलंबित कर दिया गया है।